उत्तराखंड में चकबंदी की मांग काफ़ी जोरों पर है और मुख्यमंत्री ने भी 6 गांव चिन्हित किए हैं। आज हम उनके गांव में आए हैं, खेड़ा शहर सतपुली के पास में। ये मुख्यमंत्री नमस्कार उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गांव है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ के लोग चकबंदी के बारे में और क्या यहाँ के लोग हम लोग सोचे। एक पौड़ी बटना है चकबंदी। उत्तराखंड में चकबंदी को लेकर मांग को लेकर गरीब क्रांति काफ़ी टाइम से अपनी आवाज़ उठाती रही है। इसी के मद्देनज़र चकबंदी टीम का भ्रमण हो रहा है। सरकार ने 6 गांव चयनित किए थे जहां चकबंदी होनी है। हम उन्हीं गांव के भ्रमण पे यहां पे लगे हुए हैं। सुबह हम योगी आदित्यनाथ के गांव गए थे, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के गाँव में आए हैं। ये खेड़ा सेरा है, यहाँ पर चकबंदी की टीम का यहाँ पर भी चकबंदी होनी है। यहाँ चकबंदी की टीम आई थी, चकबंदी अधिकारी आए थे। हम यहाँ गांव वालों से पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ और उनसे क्या वार्ता में मीटिंग हुई। ये हमारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गांव खेड़ा सेरा है। चकबंदी की टीम यहाँ आई थी क्या? जी सर, यहाँ आ रही थी। सभी गांव वाले के सामने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने से ये हल निकला कि किसी का एक खेत वहाँ है, किसी का एक खेत यहाँ है, इसलिए लोग अधिक से प्लान कर रहे हैं गढ़वाल से। अगर किसी को एक सामने सभी खेत मिल जाए अपना, तो गांव में डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। इससे जो है प्लान भी रुकेगा और क्या बोलते हैं, कृषि में सभी लोग अपने हाथ बढ़ाएंगे। इसी कारण हमारी कृषि पिछड़ रही है और जो है कि इसीलिए हमारे गांव के लोग कृषि में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चकबंदी टीम जो यहाँ आई थी, जो अधिकारी यहाँ आए थे, क्या आश्वासन देखे गए आपको? जल्दी से जल्दी इस चेकबंदी को करके मतलब पूरा करेंगे और जल्द से जल्दी चेकबंदी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर चेकबंदी हो गई तो क्या यहाँ का प्लान रुक सकता है? यहाँ चेकबंदी होने से क्या खेतों से हमें स्वरोजगार पैदा हो सकता है? हाँ, चेकबंदी अगर हो जाए तो अच्छी व्यवस्था है सरकार की, सरकार की अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। इसमें मतलब हमारा जो है कि हमको एक जगह में मिल जाएगी तो हम एक जगह में बहुत काम, दूर दूर जाने से एक जगह में कम समय में वो काम कर सकते हैं। कृषि का काम अच्छे प्रकार से हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर चकबंदी होगी तो क्या रिवर्स प्लान हो सकता है यहाँ पे? रिवर्स प्लान जरूर हो सकता है सर। हमारे बच्चों को पता नहीं हमारे खेत कहाँ पर है, ज़मीन हम ही को पता नहीं। जब हमको एक सामने चक मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हमारे खेत यहाँ पर है और परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर हम काम करके खेती कर सकते हैं। जैसा कि लगता है कि पिछली सरकार भी बोलती आएगी चकबंदी होगी, ये सरकार भी कह रही चकबंदी होगी। ये मुख्यमंत्री का गांव है, क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री का गांव होने से जल्द चकबंदी और नियमावली बन सकती है यहाँ पे? हो सकती है सर, जल्दी से कल प्लान बन रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है कि चकबंदी हो सकती है। क्या आप मुख्यमंत्री गाँव होने के नाते आप फोर्स डाल सकते हो कि जल्दी से जल्द हमारे गाँव में चकबंदी हो? कर सकते हैं सर फोर्स हम कि जल्दी जल्दी चकबंदी हो, हमारे खेतों का उनको पता चल जाए कि हमारे बच्चों को अभी तक खेतों का पता नहीं है। और चकबंदी से बहुत फायदे हो सकते हैं, एक तो अपने बच्चों को पता चल सकता है कि हमारे खेत कहाँ पर है और उसका काम कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद।